सो व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम सभी लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन। तो बेसिकली आप सभी लोगों को याद होगा कि यार लास्ट टाइम हमने अपने क्या बोलते हैं कैप्टन मार्वल के साथ खेला था। तो अगर आप सभी लोगों ने उसे नहीं देखा तो जल्द जाके देख लो यार, ठीक है, इट इज़ वर्थ फॉर वॉचिंग। सो नाउ लेट्स टैप द स्क्रीन। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग कैप्टन अमेरिका को खेलने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और ये कैप्टन मार्वल जो रिसेंटली हमने खेला था, और ये वांडा जो स्कारलेट विच है, और स्पाइडरमैन, इन सबसे हम खेल चुके हैं। अब बारी आती है हमारे कैप्टन अमेरिका का, और हमें इनको अनलॉक भी करना है ताकि हम बाकी हीरोज़ को, जैसे कि आप सभी लोग इधर देख पा रहे हो, रुको मैं बताता हूँ कहाँ। ओके, तो हमारे जो यहाँ पर जो हीरोज होंगे वो है परचेज हियर स्लॉट एक्सपेंशन टिकट एट द शॉप टू अनलॉक। ओके वेल, मेरे को समझ में तो नहीं आया क्या बोल रहा है, लेकिन एनीवेज ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम अपना लास्ट एवेंजर के साथ खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका। तो लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। ओके तो गाइस, इधर हमारी स्टोरी स्टार्ट होते हुए हाइड्रा अमेरिका चैप्टर 1 असेंबल। ओके तो इस बार हम कैप्टन अमेरिका का चैप्टर 1 खेलने जा रहे हैं असेंबल। और ये, अरे ये तो स्पाइडरमैन से कनेक्टेड लग रहा है। हाँ ये स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है क्योंकि उसमें भी हमें वो ट्रक दिया गया था ना, वो क्या बोलते हैं। और इधर हमारे कैप्टन अमेरिका के एंट्री करते हुए, ओ लेट्स गो, ये बॉय, देखते हैं इस बार कैप्टन अमेरिका का ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि इसका स्पेशली हमें मिलता है। ठीक है लेट्स गो। ये क्या है, ओ ये क्या है, ये भी स्पाइडरमैन जैसे ही जंप करता है। वेल लेट्स गो। ओहो मैं इससे शील्ड मार के खेल सकता हूँ। नाइस, मतलब मैं दूर से, मतलब जैसे कि ये, तो मैं अगर दूर से करता हूँ तो मैं ऐसे मार सकता हूँ। नाइस, मैं दूर से मार सकता हूँ, इसका मतलब है। ठीक है नाइस है, बढ़िया है। अब मैं दूसरा हमें ये करना है लेवल 2 का मेरा। अरे वाह बहुत ही बढ़िया, इसे यूज़ करके देखता हूँ। आइए एक झटके में ख़त्म। चलो तुम्हारे ऊपर ये यूज़ करते हैं। नाइस, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर तो यही काफ़ी है। मुझे इससे कैप्टन अमेरिका की सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि भैया ये तो भैया अपना मतलब मस्त शील्ड फेंकता है, मतलब दूर से ही हम मार सकते हैं। ओके हमारी एपिसोड कंटिन्यू होते हुए हाइड्रा अमेरिका का, ये पक्का स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है क्योंकि इसमें जो ट्रक आया उसका आपका वही ट्रक हमारे स्पाइडरमैन में भी लाते हुए दिखाया था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हाँ, मतलब समझ रहे हो ना, ये ट्राई करते हैं। अच्छा ये उधर जाके ही करना है। ओके वेल लेट्स डू दिस वन। आइए ये भी उधर जाके करूँगा, लेकिन जल्दी जल्दी ख़त्म तो हो रहे हैं ना एटलीस्ट। यार ये लोग तो बहुत ताकतवर वेपन्स के साथ आ रहे हैं, कैप्टन अमेरिका तो इनके सामने, अरे मैं लड़ ही नहीं रहा तो लड़ता हूँ। लेट्स गो, दूर से मारते हैं इनकी बैस की रुको। ओके स्टोरी कंटिन्यू होते हुए, ये क्या है, बहुत ही बड़ा गन या कैनन। एनीवेज लेट्स गो। सोल्जर एंटर द, ओ भाई मैं पढ़ने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। लेट्स गो बेबी। सेंटर द, क्या बोल रही है। ओके तो एनीवेज मैं अभी इसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। लेट्स डू इट बेबी। आइए थोड़ा सा डॉज कर सकता हूँ मैं। ओहो ये वगैरह डॉजिंग स्किल्स मेरे को एपिक लगता है इस गेम के, फॉर श्योर मैन। आप सभी लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। चलो अभी गेम प्ले को जल्दी ख़त्म करते हैं। और मेरे ख्याल से बीच पीछे सायरन भी चल रहा है, ये क्या है। ओके एनीवेज मेरे को एरो दिशा दिखा रहे हैं कि इस साइड जाना है। ओके मेरी 80% हेल्थ है, अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं आएगी। ओ भाई अरे इससे कैसे लटेगा स्टीव रॉजर्स। ओ भाई आई नीड टू पिक अप द पीस। ओके लेट्स गो बेबी। ओए यार काफ़ी ज़्यादा, अच्छा ठीक है मेरा 100% मतलब 96 हो चुका है। नाइस अभी मुझे उस मोटे से लड़ना है, और मोटे के लिए ना मुझे पक्का पता है कि मेरा जो पावर जो है, जो ये अल्टीमेट पावर जो स्किल गॉज जो भी है उसके लिए लड़ना होगा। सबसे पहले तो भागो, कांट ब्लॉक दिस वन, हाँ इसीलिए तो भागा हूँ। अभी सबसे पहले ना मुझे इधर से भागना होगा। नाइस डॉज करते रहो क्योंकि जब तक हमारा ये कम, अच्छा बस यही बचा है। नहीं नहीं ये भी है। ओके ओके नाइस,
क्योंकि मेरे को ना अपना ये भी अपग्रेड करना है, तो लेट्स गो। अरे यार भागो, अरे सामने आ गए नल्ला कहीं के, भागो भाई। अरे उधर से भागना यार, क्या कर रहा है, उससे डॉज करना है भाई तुम्हें। एक तो यार ये एचपी बहुत, अरे मेरी बढ़ती भी जा रही है। अच्छा मेरा हेल्थ जो है, एचपी जो मतलब मेडिकेट जो भी कह सकते हो, वो अपने आप ही ये कमजोर। ओके सुपर पावर भाई, ये क्या था समझ में नहीं आया। और ये गायब भी हो गया, ये उतना भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इसमें गायब कैसे हो सकता है, रोबोट टूट सकता है। ओके स्टोरी कंटिन्यू होते हुए, ये बॉय, अरे भाई इतना तो हम माइनक्राफ्ट में भी नहीं कर सकते, इवन कोई नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता। यस ओई, वो कौन है, बकी बॉन्स, यानी कि वो क्या बोलते हैं, विंटर सोल्जर कह सकते हो, या फिर अभी करेंटली फेलिकन एंड द विंटर सोल्जर में बोला गया था, क्या बोलते हैं उसे, वाइट टाइगर करके, नहीं हाँ वाइट टाइगर कुछ करके ऐसे बोला था। अब चलो कमेंट में बताना, मैंने बहुत मतलब मैं मई जून को देखा था इसको, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है इस सीरीज को, मैंने एंड कर दिया था उसको। लेट्स गो, ये लोग तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। लेट्स गो, जल्दी से बकी बर्न्स को आजाद करते हैं, थोड़ी बातचीत। रेड स्कल भाई, इसमें सारे के सारे विलन्स है यार, अमेजिंग। भाई ये अब इससे लड़ना है, बॉस फाइट बेबी, आई कैन डू दिस ऑल डे, ये बॉय लेट्स गो। इसी का इशारा कैप्टन, इसका इसका कोई ये दो स्पेशल नेम दो गाइस आप सब लोग कमेंट में। बाकी इसकी भैंस की टांग, इसके 4 हेल्थ बार है भाई, फिर ट्राई टू डॉज दिस वन। ओके लेट्स गो, डॉज करते हैं, डोंट मूव। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बेबी, तेरे को अटैक करने का मौका ही नहीं मिलने वाला भाई। ये ले, तू भी ये भी खा भाई। ये कुछ कर भी रहा है कि कुछ भी कर नहीं कर रहा भाई, कुछ भी नहीं कर रहा भाई वो, मैं उसके पीछे से हमला करे जा रहा हूँ। ओहो भाई, अब ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, फोकसिंग अटैक रेड स्किल। ओहो ओ अच्छा, इससे मैं उस पर फोकस करने वाला कर सकता हूँ, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये भी बेटर है ना भाई, मतलब एपिक है यार। अभी हमें सबसे पहले तो यार इसका अभी 2 है अभी, यार खत्म हो जाए, कांट ब्लॉक दिस वन, नीड टू डॉच। अभी फिलहाल के लिए तो डॉच नहीं कर सकते कैप्टन, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। ओके हम डॉज नहीं करते कैप्टन, वैसे भी यू कैन डू दिस ऑल डे। हाँ ये फाइनली, क्यों उई, अरे ये तो वही कैनन है, बकी बॉन्स को मारने जा रहे क्या ये लोग। कैप्टन अपने शील्ड से बचा यार, कम ऑन शील्ड, ये बॉय। अबे रेड स्कल उसको गोली नहीं मार, अरे अच्छा वो भाई, वो आई गेस स्कल की मूर्ति थी, क्योंकि उसका स्कल ही उड़ा दिया भाई, उसका सर ही उड़ा दिया भाई। ओके एनीवेज उसकी मूर्ति थी आई गेस, बड़ी गंदी बेइज्जती हुई है। और ये कम्स द कैप्टन अमेरिका फ्रॉम अदर डायमेंशन, भाई साहब एकदम हाईटेक है, हमेशा जो अनदर डायमेंशन का होता है ना, वो हमेशा ऐसे हाईटेक टाइम का होता है। ओके लेट्स गो बेबी, अरे यार बकी बर्न्स को भी लेके चलो ना यार, व्हाइट टाइगर या फिर जो भी है विंटर सोल्जर जो है, ये भी हेल्प करेगा। वही स्टोरी। अच्छा मुझे ये बस बताओ कि भैया हमारा ये आया है क्या, क्या बोलते हैं बकी बर्न्स। अरे यार ये लोग बकी को नहीं लाए यार, फिर तो मजा नहीं आया भाई। आप सब लोगों को मजा आया कि नहीं कमेंट में जाके जरूर बताना। बाकी भाई मुझे इस गेम के बारे में सच्ची में नहीं पता, लास्ट एपिसोड में भी बताया था, इस एपिसोड में भी बता रहा हूँ, तो यार प्लीज कमेंट करना तो बनता है बॉस। चलो ये चेक करते हैं, इफ यू वांट टू सेव द अर्थ डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड एंड लिसन टू मी, आई हैव ए प्लान। हाँ जरूर बता भैंस की क्या प्लान है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैन नॉट यूज, मोस्ट वॉन्टेड कंडीशन कंप्लीट एपिक मिशंस, मोस्ट वॉन्टेड। मैं समझा नहीं एक्चुअली, एनीवेज आप सभी लोग हो ना कमेंट में समझाने के लिए। रेयर कार्ड, ओके ये क्या है भाई। एनीवेज ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे काटना है गेस। ओके डन,
अरे हाँ ठीक है समझ गए। ठीक है ठीक है, चलो अब मेरे को कुछ करना नहीं है बाकी। चलो यार हमारा वो ये एपिक इन्वेशन क्या है इसमें, वो गौर द, अच्छा इसीलिए वो द गॉड बच्चा डेली। ओहो इन्वेशन एंड्स इन वन डे। तो एक काम करते हैं गाइस, इसकी जो एपिसोड होगी वो मैं आप सभी लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पक्का दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।